ठंडा पराठा खा रहे हो हम बैठ के। एक इसे दे दे। तू तो यार सब चीज ला। ये क्या सेक भाई, तरीका देखो खाने का, स्लैट बाजे का ये। ओहो ओहो बिल्कुल ही प्रोफेशनल हो रहा। तो गाइस क्या है कि एक घंटे की मस्त नींद ले ली हम सब ने, जितने भी हम मतलब दोस्त जा रहे हैं। बाकी हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, क्या कितनी देर से ले जा रहा हूँ गाड़ी। तो अभी हम पता नहीं कहाँ पे पहुँचे, मुजफ्फरनगर साइड क्रॉस करा है हमने। पहले ही खाना वाना ले लिया था वहाँ पे, खा पिज्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह ले आया था, वही खाएंगे पियेंगे। लेने गया आप, देखते हैं कितना टाइम लगता है उसको लाने में। ये गाइस अपनी बस है और गाइस ये लेके आया था वो, हो गया फेंक रहे। तो बस फाइनली आप तो आ चुके हैं। गाइस यहाँ पे आ तो गए पर ये थोड़ा लगेज है। अभी हम पहुँचे हैं हर की पौड़ी घाट पे। भाई भीड़ इतनी हो रखी है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा, बहुत ही ज़्यादा क्राउड लग रहा है। दिल्ली के सारे बंदे यहीं पे आ गए। अभी दुकानें बहुत ही कम खुली हैं। अभी दुकानें खुली कहाँ हैं अभी? और बहुत ज़्यादा दुकानें होती हैं, सारी जो है ना दुकान ही दुकान है, अभी खुली नहीं है। तो मेरे पे तो लोग आ रहे हैं। कितने की? 20 रुपए की। जा रहे हैं इस ठंडे पानी में कूदने गंगा जी में, देखने से तो बहुत ठंडा लग रहा पानी। कितने की भाई माला बता दे? 80 रुपए। 80 रुपए की? यार सही सही लगा लो भाई।
तो गाइस नहा वहा के हो चुके हैं फुल फ्रेश। फ्रेश होने के बाद हमने खरीदी है ये माला जो आपने देख ली थी। अब चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में करनी है राफ्टिंग और आज ही रुकेंगे हम ऋषिकेश में। कैसा लगा भाई नहा के? वाह मौज आ गई कतई। हाँ भाई लाला कैसा लगा तो नहा के? तो बढ़िया था। ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं फिर ऋषिकेश के लिए। पुल है ना सामने, इस पुल पे से मिलेगी हमें गाड़ी। 70-80 रुपए लेगा वो एक बंदे के और छोड़ देगा। अब ये बताओ खाना क्या है? लगा चलाने वाला तो मिलेगा। ये तो अपना आप जो कैसे हो रहा है ये? हाँ अरे बता दो भैया कैसे हो रहा है? कोई रस्सी वस्सी भी नहीं आपके? तो भाई के भाव थोड़े हाई में, इसने वो बता नहीं। हाँ अबे पर वहाँ पे तो कुछ नहीं है, वहाँ देखना। अरे वो तार ही ऐसा है, वो कह नहीं रहा था कैसे उंगली में लपेटो और उंगली हिलाओ, वो उंगली हिला रहा था ऐसा ऐसा करके। तुमने देखा नहीं? मैंने देख लिया। तो गाइस यहाँ पे लिए चाय। की चाय यार अलग ही लेवल होता है। भाई बहुत ही गंदा हाल हो रखा है यहाँ पे। एक तो ऑटो वाले इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ले रहे हैं ना, इतना ज़्यादा, जहाँ 60-70 रुपए लगते हैं वहाँ सीधा मांग रहे हैं 200 रुपए। और भीड़ देखो यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रखा है, क्योंकि आज संडे है, इस चक्कर में भी हो सकता है। बट आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड भी बहुत है और महंगा भी बहुत कर रखा है इन्होंने। 80 रुपए का सीधा 200 रुपए कर रखा है और रुक भी नहीं रहे। भाई तुमसे तो पहले जो बंदा था ना, जो ऑटो का किराया मांग रहा था, वो भाई 200 रुपए ले रहा था। इतना नहीं लूटना चाहिए भाई किसी को। यहाँ पे बंदा घूमने आ रहा है, तुम 30 किलोमीटर के 200 रुपए मांग रहे हो, गलत है भाई। 100 रुपए इनफ होता है 30 किलोमीटर का, और 200 रुपए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे जो बंदे होते हैं उनके लिए कंप्लेंट डालनी चाहिए भाई। कंप्लेंट डालो जो बाहर के, तुम बता रहे हो कि बाहर के बंदे आते हैं, गलत होता है भाई। सब लोग परेशान होते हैं। तो गाइस इन लोगों को वो रास्ता दिखा रहा हूँ जिस रास्ते से मैं लास्ट टाइम गया था, तो वो यहीं के यहीं आ गई है। और क्या है कि वो मतलब सीधा जो है ना राम झूले की तरफ निकाल देता रास्ता, और वो रास्ता मिल नहीं रहा, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है थोड़ा सा, पता नहीं चल रहा कहाँ पे है वो, उसी की तरफ जा रहा। तो गाइस ये 40 रुपए के राजमा चावल प्लस छोले प्लस चटनी लक्ष्मण झूले से थोड़ा ही आगे है राइट हैंड पे, और राम झूला से थोड़ा सा पीछे। क्राउड देखो भाई की दुकान पे। गाइस देखो सबको गर्मी लग रही है यहाँ पे, ये भी इसे भी गर्मी लग रही है मस्त है, और इस भाई को भी गर्मी लग रही है। गाइस अभी का तो सीन ऐसा है कि होटल मिल नहीं पा रहा। वो जो ऑटो वाला था उसने बहुत ही पीछे उतार दिया था, कम से कम नहीं तो 7 किलोमीटर पीछे उतार दिया था। तो हम बहुत ही मुश्किल से लक्ष्मण झूला और राम झूले के पास आए, और अब फाइंड कर रहे हैं होटल। होटल लोग बता रहे हैं कि मोस्टली बुक हैं, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मिल जाए एक आध होटल, क्योंकि एक दिन के लिए स्टे लेना है यहाँ पर हमें। बाकी यहाँ का नज़ारा और यहाँ का व्यू तो भाई एक नंबर है, आपको दिखाते हैं। एक नंबर रहने का। तो किसी तरीके से होटल मिल जाए तो भाई ज़िंदगी सफल हो जाए। तो गाइस ये तो अपना रूम है, ये भोले बाबा की फ़ोटो। इस तरफ किचन है और ये बाथरूम का डोर है, ये अलमारी भी दी है आपको बाहर का दिखाऊं। ये है बाहर का।
तो गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कहाँ से हम लोग रूम लेने आए। हम लोग आए यहाँ से रूम लेने और यहाँ से चलते 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 फाइनली हमें रूम मिल गया। ये देखो भाई कितना गाइस चलना पड़ा हमें यहाँ पे और वहाँ से आए थे हम लोग। अरे रूम मिल चुका है, रूम के सामने ही है ये, बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा। कैसे देख रहे हैं इन्हें, ये क्या देख रहा है, इसे भी नहाने का मन कर रहा है मेरे ख्याल से। उन्होंने लाल पहन रखा है ना, चल मार ही देता हूँ टक्कर, उन्हें ही देख रहा है इसे। और देखो चले गए और भी लोग आ गए यहाँ से। वो देखो लड़ाई हो रही है, लड़ाई WWF हो रहा है। वो बंदा देखो भाई कहाँ पे नहा रहा है, वो बंदा ये देखो बंदा, ये बंदा सुपर हीरो है, राफ्टिंग का मजा ना देखिए बंदा तो यही डूब रहा है, राफ्टिंग का मजा नहीं है। तुम्हारे भाई का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इस टाइम बाहर जाने का और ये बंदे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं मेरे को। धूप इतनी कैडी हो रखी है ना, इतनी कैडी हो रही है भाई, धूप नहाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि हम कह रहे हैं इससे गंगा में नहाने। पर ये बंदे फिर ये कह रहे हैं शाम को नहाएंगे भाई, बढ़िया। और हम कह रहे हैं धूप में मजे आते हैं शाम को, मैं कह रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं फिर नहाते हैं। देखो भाई किसी को मंगवाना है तो बता देना मैं लेके आ जाऊंगा, देख लो और पास से चेक कर देना भाई नाम के साथ कमेंटमेंट दे देना मैं लेके आ जाऊंगा। और भाई सब्सक्राइब करो चैनल को मस्त, 6000 सब्सक्राइबर कर दो होने वाले हैं और धीरे धीरे 10000 भी होंगे। अभी क्या है कि टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करने में क्योंकि बहुत सी परेशानी चल रही है। अभी मेरा घर भी बन रहा है, घर बन जाएगा तो और अच्छी आसानी हो जाएगी, मेरे को पर्सनल रूम मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, कितनी ज़्यादा धूप हो रही है पर ये पागल हुए जा रहे हैं। पर एक देखो बात कर रहा हूँ, दिखाता हूँ ब्लर कैसे हो गया, फोकस ले ले भाई। इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस जा रहे हैं बाहर नहाने के लिए, मजे लेने के लिए, मजे लेंगे नहाएंगे धोएंगे। ये लोग मार नहीं दे, मुझे जाना ही पड़ेगा, पागल हो रहा है। एक पता ना कौन से बात कर रहा है, दोस्त ने छोड़ दो, देखो पर्दे में घुस रहा है, ओढ़ ले इसे, ओढ़ ले पर्दा ओढ़ ले। चलो भाई बाहर मिलते हैं। भाई देखो मेरे साथ एक हॉलीवुड का रैपर चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, हंसना मत। ये